जी जगन्नाथ, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो ऑलरेडी मैं मैथमेटिक्स के ऊपर स्कोपस और एसीए वाला जर्नल को पार्ट वन वाला वीडियो बना चुका हूँ। वहाँ पे पांच जर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हूँ जो कि कम्प्लीटली फ्री है, और कोई कोई जर्नल स्कोपस में है, कोई कोई जर्नल स्कोपस और वेब ऑफ साइंस बोथ है। ठीक है, तो चलिए आज का देखते हैं। और पांच जर्नल में ढूंढ के लाया हूँ, 0.9 साइट स्कोर से लेके 1.0 तक। मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सा पांच जर्नल, ताकि जो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो जो सिंपल इन्फॉर्मेशन लेके खुद जाके सर्च करना चाहते हो तो उसको आप कर सकते हो। सर, हर किसी का समय इम्पोर्टेंट है, तो आपका समय भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो आप मेरा वीडियो देख रहे हो। तो उसी हिसाब से मैं पांच जनरल पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि अनिल्स ऑफ अनिल्स मैथमेटिशिया सिलेसियन, ठीक है, वो अलग लैंग्वेज में है लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में सबमिट कर सकते हो, वहां पे लिखा हुआ है उस जर्नल में। नेक्स्ट जर्नल के बारे में अगर बोलूंगा, पी एन ए जर्नल, ये भी मैथमेटिक्स के ऊपर है। तीसरा वाला जो जर्नल है, ऑस्ट्रियन जर्नल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। चौथा वाला जो जर्नल है, ग्रुप्स ज्योमेट्री डायनामिक्स। और पांच नंबर वाला जो जर्नल आज दिखाऊंगा, मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटिंग। इतना जो पांच जर्नल में अभी बताया उसी के बारे में और डिटेल में अगर जानना है तो वीडियो को कंटिन्यू करके देख सकते हो, और जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है वो क्या कर सकता है कि वो वीडियो को स्किप कर सकता है, आपका मर्जी। ठीक है, तो चलिए पहला जर्नल के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है एनालिस्ट मैथमेटिशिया सिलेंसी। ठीक है, सीलान सियाने, खतरनाक नाम है। यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्कोपस का कवरेज एरिया है 2019 से लेके प्रेजेंट तक है, तो यहाँ पे कुछ टेंशन नहीं। आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 2024 मार्च महीना, 25 तारीख हो गया आज, तो उसी हिसाब से आप जिस टाइम में देख रहे हैं थोड़ा सा ऐसे नंबर लेके वहां पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट तक कंटिन्यू चल रहा है। साइड स्कोर अगर देखोगे तो 0.9 है, वो अभी थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है, आज का टाइम के हिसाब से 0.6 हो गया है लेटेस्ट साइड स्कोर ट्रैकर में अगर देखोगे तो। ये कभी कभी होता है जब रिसर्च पेपर आपका जो जर्नल में पेपर साइटेशन नहीं हो रहा है, तभी ये क्या करता है कि डिक्रीज हो जाता है। और या क्या कर सकते हो, जो पब्लिशर हाउस का नाम लिखा हुआ है वाल्टर द ग्राइट टूर, और आईएसएन नंबर ये वाला दिया है, इसको आप क्या कर सकते हो अपना डायरी में मेंटेन कर सकते हो। ये वाला जो जर्नल है स्कोपस में है, फ्री वाला है, वेब ऑफ साइंस का भी है, लेकिन टाइम कितना लगता है उसके बारे में हम लोग आगे जाके देखेंगे। ठीक है, और जो एरिया है पूरा जनरल मैथमेटिक्स के ऊपर है, यहाँ पे मैथमेटिक्स के ऊपर जो भी अगर रिसर्च वर्क कर रहा है तो सबमिट कर सकते हो। इसको जाके आप गूगल में सर्च भी कर सकते हो, मुझे पता है कि ऑलरेडी ये वेब ऑफ साइंस का है, तो इसको मैं वेब ऑफ साइंस में जाके डायरेक्ट सर्च कर रहा हूँ। स्कोपस का तो पेज में हम लोग देख रहे हैं, वेब ऑफ साइंस का पेज में अगर सर्च करते हो तो इस तरह का पेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्पेशल मैट्रिसेस, हम लोग का एनल्स ऑफ मैथमेटिक्स सिलेंसिया लिखा था ना, यहाँ पे इस तरह क्यों आ गया? ठीक है, मैं अभी करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है तो मैं ऑलरेडी सर्च करके दिखा देता हूँ कैसे हम लोग वेब ऑफ साइंस में जाके आईएसएन नंबर को आप कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे मैं जाता हूँ सर्च लिस्ट में, सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला आ गया एनल्स मैथमेटिक्स सिलेंसिया। ठीक है, वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ था तो इसको हम लोग और एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जर्नल वेबसाइट दिया है और विजिट साइट दिया है, तो यहाँ पे अगर विजिट साइट मारते हो तो वो पर्टिकुलर साइट में जो है ओरिजिनल वाला वहां पे वो रिडायरेक्ट कर देता है, तो इस तरह का आ जाता है। ये पर्टिकुलरली साइंडो वाला पब्लिकेशन का हाउस है जो कि पोलैंड देश का है, और आप सर्च कर सकते हो साइंडो के बारे में, वो भी एक अच्छा खासा पब्लिशर है। यहाँ पे देख सकते हो कि जो लिखा हुआ है यहाँ पे आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दिया है कि द जर्नल डज नॉट हैव आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज नॉर सबमिशन चार्ज। क्लियरली मेंशन किया है कि यहाँ पे चार्जेस और पैसा नहीं देना पड़ता है। अभी देखेंगे कि मतलब मेट्रिसेस से ऊपर देखोगे तो यहाँ पे 0.4 का इम्पैक्ट फैक्टर है और साइड स्कोर 0.9 है। ठीक है, इतना आज के टाइम में 2022 के टाइम का जो डाटा बेस में वो साइड स्कोर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे लेटेस्ट वाला यहाँ पे 0.6 है। ठीक है, 0.6 है, थोड़ा सा घट गया, लेकिन वो वेबसाइट में थोड़ा सा क्या करेक्ट कर रहा है, 0.9 दिखा रहा है, तो उसी हिसाब से आप जजमेंट ले सकते हो। लेकिन ये जो रिसर्च पेपर है आपका स्कोपस है और वेब ऑफ साइंस का है। अगर हम लोग देखेंगे कितना टाइम लगता है पब्लिकेशन टाइम फ्रेम, 2 साल में 2 बार यहाँ पे रिसर्च पेपर पब्लिश जर्नल पब्लिश करता है, 2 इशू पब्लिश करता है, तो हम लोग क्या करेंगे जो लेटेस्ट वाला पेपर निकला है उसको जाके हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कितना टाइम लगा हुआ है। तो ये दोनों को मैं खोल के रखा, और
यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया कि जो ये रिसर्च पेपर हम लोग देख रहे हैं तो उसका नाम अगर यहाँ पे देख सकते हो, क्लोजर ऑपरेशन ऑन इंट्यूटिव लिनियर अलजेब्रास। यहाँ पे रिसीव हुआ था अप्रैल 3, 2023 और एक्सेप्ट हुआ था फेब्रुअरी 5, 2024। तो लगभग 10 महीने 11 महीने का टाइम यहाँ पे लगा हुआ है, तो समझ सकते हो किस तरह का टाइम लगता है। और एक तो रिसर्च पेपर है ऑन फंक्शन ऑफ मोनोटोनिक डिफरेंसेस, यहाँ पे भी देख सकते हो अक्टूबर 22, 2023 में ये रिसीव हुआ था ये रिसर्च पेपर और एक्सेप्ट हो गया था मार्च 6, 2024 में। तो लगभग यहाँ पे 5 महीने 6 महीने का टाइम लगा है। तो यहाँ पे वेरिएशन देख रहे हो, तो कोई एक रिसर्च पेपर 5 महीने 6 महीने से लग रहा है, कोई एक तो 10 महीने 11 महीने का टाइम लग रहा है। तो उसी के बेसिस में आप खुद जजमेंट ले सकते हो कि कितना टाइम में हो रहा है, 7, 8 महीना, 10 महीना, इस तरह का माइंड में सेटअप कर सकते हो। जितना रिसर्च पेपर ये लेटेस्ट वाला इशू में निकला है उसके बेसिस में आप क्या कर सकते हो कि एक फाइनल डिसीजन ले सकते हो कि कितना टाइम लगता है। तो अगर ये वाला जर्नल को आप ढूंढ मतलब सिलेक्ट कर रहे हो अपना रिसर्च पेपर सबमिट करने के लिए, तो फाइनल डिसीजन यहाँ पे है, क्या है कि साइट स्कोर आज का टाइम में 0.6 है, वेब ऑफ साइंस का है, फ्री वाला है और टाइम 10 महीना का आसपास टाइम लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जर्नल के बारे में देखते हैं, PNA जर्नल। ये भी जो जर्नल है स्कोपस में आ जाता है और आपका वेब ऑफ साइंस का आ जाता है। साइट स्कोर अगर देखोगे तो 0.9 और थोड़ा सा बढ़ गया है, अभी 1.1 बढ़ गया है। देख रहे हो पिछले वाला जो जर्नल था वो वाला थोड़ा सा घट गया था और यहाँ पे बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे जो रिसर्च पेपर पढ़ हो रहा है तो यहाँ पे साइटेशन उनको वो डॉक्यूमेंट को मिल रहा है, तो उसी के बेसिस में साइट स्कोर डिसाइड होता है स्कोपस का। स्कोपस का कवरेज ईयर अगर देखोगे तो 2017 से लेके प्रेजेंट तक के यहाँ पे पब्लिशर जो है उसका नाम क्लियरली मेंशन किया है, यूनिवर्सिडाद दे ग्रानाडा ग्रुप दे इन्वेस्टिगेशन डिडाक्टिया डेला मैथमेटिका, इस तरह नाम लिखा है, खतरनाक नाम जैसा लिखा है, आप पढ़ भी सकते हो। ऐसा नहीं कि पब्लिशर का नाम इस तरह लिखा हुआ है मतलब नहीं सबमिट कर सकते हो, वहाँ पे लिखा रहता है कि आपका जो रिसर्च वर्क है वो इंग्लिश में सबमिट कर सकते हो, तो उसके बेसिस में आप करो। EISN नंबर को आप नोट डाउन कर सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो कि मैथमेटिक्स और एजुकेशन के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च पेपर सबमिट होता है, तो आप क्या कर सकते हो कि अपना रिसर्च वर्क है तो उसके ऊपर तो सबमिट करो। इसको IISN नंबर को आप क्या कर सकते हो कि गूगल में जाके PNA को भी सर्च कर सकते हो, लेकिन ओरिजिनल वेबसाइट में जाने के लिए देखो वेब ऑफ साइंस का ऑलरेडी है, वो वेब ऑफ साइंस में मैं अभी पिछले वाला जो जर्नल के बारे जर्नल दिखाया था वहां पे भी मैं डायरेक्ट दिखाया था कैसे हम लोग जाके वेब ऑफ साइंस में सर्च कर सकते हो। तो इसको आप कॉपी कर सकते हो, इसको कॉपी करके वेब ऑफ साइंस का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ISN नंबर को पेस्ट करके सर्च कर सकते हो। यहाँ पे देखो जर्नल वेबसाइट दिया है, जर्नल वेबसाइट का लिंक दिया है, तो ऑलरेडी इसको अगर क्लिक करते हो तो उसका ओरिजिनल वेबसाइट को भेज देता है। अगर इसको आप खोलते हो तो इस तरह का दिखाता है, PNA डज नॉट चार्ज एनी कॉस्ट फॉर रिसीविंग मैन्युस्क्रिप्ट नॉर इट्स पब्लिकेशन, तो पैसे चार्जेस नहीं लेता है, क्लियरली मेंशन किया है। ये वाला 13 नंबर पॉइंट है, ये 13 नंबर पॉइंट कहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जब आप सबमिशन वाला क्लिक करोगे। देखो यहाँ पे अगर मैं सबमिशन में क्लिक करता हूँ तभी जाके ये वाला आएगा। ठीक है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे जो विजिट साइट था इसको अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हम लोग का इस तरह का पेज खुल के आएगा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है उसको अपलोड होने के लिए वो पेज को, और जब अपलोड हो जाएगा कहाँ पे लिखा है पैसे चार्जेस नहीं लेता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहा है अभी, अब पूरा व्हाइट स्क्रीन हो गया। ठीक है, यहाँ पे इस तरह का आ गया, यहाँ पे अलग लैंग्वेज दिखाया गया स्पैनोल और पोर्तुगीज, इस तरह का यहाँ पे क्लियरली दिया है इंग्लिश स्पैनोल पोर्तुगीज, यहाँ पे अगर इंग्लिश में क्लिक करते हो तो यहाँ पे दिखा देगा इंग्लिश का। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ, अभी आ जाएगा थोड़ा समय के बाद। हाँ, क्या करे भाई, इंटरनेट स्लो है लेकिन काम तो करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन PNA कैन बी रिटन इन आइदर इंग्लिश स्पैनिश पोर्तुगीज, तो क्लियरली मेंशन किया है कि आप इंग्लिश में लिख के सबमिट कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर देखो इस तरह का आ जाता है, हमने सबमिशन में यहाँ पे क्लिक किया, सबमिशन में आप जब क्लिक करोगे उसका सबमिशन वाला वेब पेज आ जाएगा और 13 नंबर पॉइंट में आपको जाना पड़ेगा, तभी जाके आपको जाके मिलेगा। यहाँ पे देखो 13 नंबर पॉइंट थोड़ा लोड हो रहा है, 13 नंबर पॉइंट ये वाला देखो, PNA डज नॉट चार्ज एनी कॉस्ट फॉर रिसीविंग मैन्युस्क्रिप्ट नॉर इट पब्लिकेशन, पैसा चार्जेस नहीं होता है। और नेक्स्ट देखेंगे कि भाई टाइम कितना लगता है, देखो ये आर्काइव है, आर्काइव में जाके क्या कर सकते हो कि आर्काइव को खोलो, जो रिसर्च पेपर ऑलरेडी लेटेस्ट वाला में पब्लिश हुआ है, जैसे 2024 का मैं नंबर 2 को पकड़ता हूँ और उसके अंदर जा रहा हूँ, अगर उसके अंदर जा रहा हूँ जो नंबर ऑफ रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, हम लोग देखेंगे कि हर जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ कब रिसीव हुआ है, कब एक्सेप्ट होता है, उसके बेसिस में हम फाइनल डिसीजन ले सकते हो कि भाई एक तो एवरेज टाइम इतना टाइम लगता है। वही प्रोसेस होता है, कोई नहीं बताया गया कि भाई 2 महीने 3 महीने में हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है,
देखो यहाँ पे रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश हुआ है इस तरह का, इसको जाके आप खोल के देख सकते हो और डाउनलोड करके देख सकते हो, ओपन एक्सेस जर्नल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली देख सकते हो। ऑलरेडी मैं खोल के रखा हूँ तो डायरेक्ट में जाके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो इस तरह का जो पेपर आप खोलोगे, दूसरा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इंग्लिश में ये वाला सबमिट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे भी तुम कर सकते हो, इंग्लिश अगर क्लिक करते हो तो इंग्लिश में दिखा देगा, ट्रांसलेट कर देगा, गूगल ट्रांसलेट है ना आजकल, तो उसका टेंशन नहीं है। वेब पेज लोड होने में टाइम लगता है, करेंगे हम क्या, कुछ नहीं भैया, वेट कर सकते हो उसके बिना, और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा है देखो, स्टूडेंट्स रीजनिंग इन कंपैरिजन ऑर्डरिंग एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स टेक्स, तो ये उसका रिसर्च पेपर का नाम है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, देखो सबमिट हुआ था जनवरी 24 2023 को, और एक्सेप्ट हुआ था जुलाई 28 2023 को, तो लगभग 6 महीने का टाइम, यहाँ पे 6 7 महीने का टाइम लगा हुआ है। उस तरह का आप दूसरा वाला भी देख सकते हो, दूसरा वाला पेपर को भी देख सकते हो जो पेपर ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, यहाँ पे भी देख सकते हो। एक और एक रिसर्च पेपर रिसिप्ट डो उनका है, रिसिप्ट को रिसिप्ट डो बोलते हैं, अक्टूबर 5 2022 और एक्सेप्ट हुआ था जून 8 2023, तो यहाँ पे भी लगभग 8 महीने का टाइम लगा हुआ है। पिछले वाला भी हम लोगों को थोड़ा सा देख लेते हैं, मार्च 27 और अगस्त, यहाँ पे भी 6 महीना। तो ये वाला अगर जर्नल को पकड़ रहे हो, और ये है वेब ऑफ साइंस का इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन में का इंडेक्सिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो पीएन अगर चूज कर रहे हो तो स्कोपस का है, फ्री है सबमिशन करने के लिए, पब्लिकेशन के लिए भी फ्री है, पैसा चार्जेस नहीं होता है, स्कोपस का है, वेब ऑफ साइंस का, ये से वाला इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन का है, टाइम लगता है 7 महीने 8 महीने इस तरह का, फाइनल एक तो डिसीजन ले सकते हो कि 8 महीना इतना मुझे वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर मैं डाल रहा हूँ, और साइट्स को देख सकते हो कि 1.1 है आज का टाइम में। 3 नंबर वाला जर्नल में देखते हैं, ऑस्ट्रियन जर्नल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और यहाँ पे 2014 से लेके प्रेजेंट तक है, कंटिन्यू में चल रहा है, 1.0 साइट स्कोर है आज के टाइम में, अगर देखोगे तो 1.1 साइट स्कोर थोड़ा सा बढ़ गया है, और ऑस्ट्रियन सोसाइटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स पब्लिशर हाउस का नाम है, और सब्जेक्ट एरिया अगर देखोगे तो अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी अनसर्टेनिटी के ऊपर रिसर्च वर्क है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सबमिशन कर सकते हो, ESN नंबर को आप क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और ये जो जर्नल स्कोपस में है और वेब ऑफ साइंस में है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सर्च करके रखा हूँ, यहाँ पे इसको आप कॉपी कर सकते हो, कॉपी करके हम वेब ऑफ साइंस में जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो ऑस्ट्रियन जर्नल ऑफ स्टैटिस्टिक लिखा है, डायरेक्ट इसको जाके सर्च करो, थोड़ा सा ISN नंबर को जाके सर्च बॉक्स में डालो, आ जाएगा ये वाला पेज, आपको सर्च में आ जाएगा जर्नल वेबसाइट है, यहाँ पे विजिट साइट को हम क्या कर सकते हैं कि क्लिक कर सकते हैं, जब विजिट साइट को क्लिक करते हैं तो उसका पेज में वो फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है, इस तरह का उसका पेज है। यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रियन जर्नल ऑफ स्टैटिस्टिक्स ओपन एक्सेस जर्नल विदाउट एनी फीस, क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा, क्लियरली मेंशन किया है कि विदाउट एनी फीस, यहाँ पे पैसे चार्जेस नहीं लेता है ओपन एक्सेस के लिए, पब्लिश करने के लिए भी, ठीक है। वेब ऑफ साइंस का ये अगर देखोगे तो ESA वाला है, वेब ऑफ साइंस का यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ESA ये बाय क्लारिवेट एनालिसिस स्कोपस का बाय एल्सेवियर का, ठीक है, तो पैसे तो चार्जेस नहीं करता है। अगर रिसर्च पेपर हम लोग देखेंगे, आपको आर्काइव में आना पड़ेगा, आर्काइव में जो रिसर्च पेपर ऑलरेडी इशू में है उसको आपको डाउनलोड करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो इस तरह का मैं वॉल्यूम खोल के रखा हूँ ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो रिसीव कब हुआ है और कब एक्सेप्ट हुआ है वो रिसर्च पेपर का पूरा जाके नीचे लिखा रहता है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा फोटो आ जाएगा, क्या करेंगे, और थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ और थोड़ा उसको स्लाइड कर दूंगा, तक तब भी जाके आएगा, क्या करेंगे भाई, बहुत नीचे लिखा है, यहाँ पे देख सकते हो कि मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ सबमिटेड और एक्सेप्टेड लिखा है, अगर यहाँ इस जर्नल में जा रहे हो पूरा रिसर्च पेपर को नीचे जाके देखना पड़ेगा, क्या करेंगे उसके लिए हम लोग, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा काट दिया हो जाता है इतना भाई टैब, अगर 20 30 टैब खोल कर रखूंगा यहाँ पे तो कट भी जाता है ना, छोटा छोटा रे हो जाता है, ठीक है, मैं अभी दिखा देता हूँ। और एक पेपर है कंपाउंड कोनोनी मैक्सवेल पॉइजन गामा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज एस्टिमेशन, एक मैथमेटिक्स के ऊपर रिसर्च पेपर है, ये देखो फ्रंट पेज में कब रिसीव हुआ था कब एक्सेप्ट हुआ था इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या कर सकते हो पूरा जाके नीचे आ सकते हो, ठीक है, नीचे यहाँ पे बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, मैं इसको क्या करता हूँ थोड़ा सा बड़ा करूंगा, उससे अच्छा है कि मैं इसको निकाल के बाहर चला आता हूँ, अगर बाहर में लेके आता हूँ तो अच्छे से दिखाई दे रहा है, और मैं क्या करूंगा कि थोड़ा सा अच्छे से मैं जूम कर लेता हूँ,
ठीक है, यहाँ पे अच्छे से आप देख सकते हो कि कब सबमिट हुआ था, 2022 11 महीना 28 तारीख को, और 2023 5 महीना 24 तारीख को, तो लगभग 6 महीना यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। 6 महीने का हम लोग को पता चल गया कि एक रिसर्च पेपर। दूसरा वाला और एक देख सकते हो, स्पेशल बाइंड सोर्स सेपरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ए ड्रिफ्ट, ये भी एक मैथमेटिक्स के ऊपर रिसर्च पेपर है। इसको भी हम अगर नीचे जाते हैं, पर नीचे आपको जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे सबमिशन हुआ था 2023 31 मतलब जनवरी महीना और 7 जुलाई महीना में वो पब्लिश होता है, लगभग 7 महीने 8 महीने यहाँ पे लगता है। तो ये वाला जर्नल को आप सिलेक्ट कर रहे तो ये वाला फ्री में आ जाता है। और साइट स्कोर देखो 1.1 है आज का टाइम में, साइट स्कोर 1.1 में है। स्कोपस का है, वेब ऑफ साइंस का ये से वाला है, 8 महीना इतना टाइम फ्रेम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर वाला जर्नल के ऊपर डिस्कस करेंगे, ये वाला भी आपको स्कोपस में मिल जाएगा, वेब ऑफ साइंस का है, फ्री वाला भी है। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ग्रुप्स ज्योमेट्री एंड डायनामिक्स जर्नल का नाम है, और पब्लिशर का नाम है यूरोपियन मैथमेटिकल सोसाइटी पब्लिशिंग हाउस स्कोपस कॉर्पोरेस। देख सकते हो कि 2009 से लेके प्रेजेंट तक है 1.0 साइट स्कोर है, अभी थोड़ा सा बढ़ गया है, 1.1 हो गया है। और ये वाला मतलब वेब ऑफ साइंस में है, तो इसको आप कॉपी करके डायरेक्ट वेब ऑफ साइंस में सर्च कर सकते हो। ठीक है, अब प्योरली मैथमेटिक्स के ऊपर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और कॉम्बिनेटोरिक्स ज्योमेट्री एंड टोपोलॉजी के रिलेटेड है, तो यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो, अगर आपका क्या है कि मैथमेटिक्स का ये रिसर्च एरिया में आता है तो। नेक्स्ट देखते हैं, वेब ऑफ साइंस के बाद जाके सर्च कर सकते हो, तो ग्रुप्स ज्योमेट्री एंड डायनामिक्स इस तरह के दिखाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि विजिट साइट मारा है, अगर विजिट साइट में क्लिक करते हो तो वो डायरेक्ट उसको वेबसाइट को लिंक भेज देता है, पूरा ओरिजिनल 100% रहता है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना पड़ता है, और यहाँ पे इस तरह का दिखा देता है। ठीक है, इसका वेब पेज आता है, तो यहाँ पे सबमिट में अगर जाओगे, ठीक है, सबमिशन में जाओगे, यहाँ पे जाके मेंशन किया है, देयर आर नो ऑथर फीस और आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस एसोसिएटेड विद दिस मोड ऑफ ओपन एक्सेस। क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है कि भाई आप लोगों को पैसा नहीं देना है, आपका रिसर्च वर्क सिक्योर होना चाहिए, और यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। ठीक है, मैं हाईलाइट करके रखा हूँ, लेकिन ये वाला जर्नल में थोड़ा सा समय के बारे में पता नहीं चलता है, कितना टाइम रिसीव कब हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था, वो वाला इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा नहीं पता चल रहा है। ठीक है, बहुत कुछ खुल के ये वाला, जैसे यहाँ पे रीड में अगर मारोगे, यहाँ पे इस जर्नल में थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम, ओवरव्यू एडिटर रोल रीड सबमिट सब्सक्राइब दिया है, या अगर आर्काइव हम लोग को पता है रीड, यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लिक करना पड़ेगा, अगर रीड मारोगे तो जो पेपर ऑलरेडी यहाँ पे रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया है उनका बारे में दिखाएगा, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि वॉल्यूम 18 में 2024 का दिखा रहा है, तो इसको आप जाके अंदर जा सकते हो, अंदर जाके रिसर्च पेपर जो ऑलरेडी ये वाला देखो वॉल्यूम 18 नंबर, वॉल्यूम 18 नंबर 1 2024 का ये वाला सब रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, इसको जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, खुल के पढ़ सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ रिसीव कब हुआ था दिया है, ठीक है, कब रिसीव हुआ था ये वाला इन्फॉर्मेशन, और ये वाला इन्फॉर्मेशन देख सकते हो कि पूरा पेज का नीचे लिखा हुआ है, कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इस चैनल में नहीं मिलता है। दूसरा वाला भी मैं दिखा देता हूँ, और यहाँ पे पब्लिकेशन का डेट देता है, तो चीज है कि कंफ्यूजन रहता है एक, तो पब्लिकेशन डेट इंपोर्टेंस नहीं रहता है, हम लोग को चाहिए एक्सेप्टेंस रेट, क्योंकि अगर एक बार आपका रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हो गया तो वो 1 साल बाद 1.5 साल बाद जाके पब्लिश हो रहा है वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट होना वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, रिसीव कब हुआ है, एक्सेप्ट कब हुआ है, उसी के बीच में जो टाइम गैप रहता है, हम लोग वही ड्यूरेशन देखेंगे कि फास्ट पब्लिकेशन में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो ये अगर जनरल सिलेक्ट कर रहे हो, उसके बारे में बोल दिया कि 1.1 साइट स्कोर है ग्रुप ज्योमेट्री एंड डायनामिक्स का, और वेब ऑफ साइंस का है, वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग अगर देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो भाई साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपैंडेड, इसका मतलब SSE है, SSIE है। ठीक है, तो साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपैंडेड में आ जाता है ये वाला, ठीक है, ESA वाला नहीं है वाला, तो स्कोपस का आ जाता है, SCIE है, और आपका फ्री वाला है। समय के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है, अगर आपको ये जर्नल के बारे में थोड़ा है घुसोगे अंदर, अगर कुछ मिल रहा है तो वो वाला इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में जाके दीजिए, ताकि बाकी जो स्टूडेंट है मैथमेटिक्स के ऊपर उन लोगों की हेल्प होगा। ठीक है, जो रिसर्च का जो है ना, बोथ साइड कम्युनिकेशन होना चाहिए, मैं सिर्फ बना रहा हूँ मैथमेटिक्स के ऊपर, आप कुछ नहीं कमेंट सेक्शन में जाके देंगे तो क्या है कि फ्यूचर जो आएगा स्टूडेंट उसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, वो उसको भी क्या है कि अगर आपको नहीं मिला तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, नहीं मैंने तो सर्च किया मुझे नहीं मिला, शायद आपको मिल जाए, और थोड़ा सा डिटेल में जाके जनरल को थोड़े से पढ़ाई करो। ठीक है, 5 नंबर वाला जनरल को डिस्कस करते हैं, ये वाला भी जो जनरल है, आज का जितना 5 जनरल बोला ना सब वाला वेब ऑफ साइंस में आ जाता है, स्कोपस
का है, वेब ऑफ साइंस का। आज का जो ये वीडियो का बेनिफिट हुआ ये आपको दो दो चीज इंडेक्सिंग एक ही जनरल में आपको मिल जाता है। मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटिंग, इसका साइट स्कोर देख सकते हो कि आज का टाइम में 1.0 से बढ़ के 1.5 हो गया। स्कोपस कवरेज देख सकते हो कि 2019 से लेके प्रेजेंट तक है, स्कोपस में है और वेब ऑफ साइंस में भी है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस, इसका पब्लिशर हाउस का नाम है। मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट एरिया अगर देखोगे, कंप्यूटर मैथमेटिक्स के ऊपर अगर रिसर्च वर्क है, कंप्यूटेशन थ्योरी और एंड मैथमेटिक्स के ऊपर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस के अगर रिसर्च वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि सबमिट रिसर्च पेपर कर सकते हो। प्रेजेंट तक है तो कुछ टेंशन नहीं है उसके लिए। मैथमेटिकल फाउंडेशन कंप्यूटिंग, इसको आप जाके गूगल में सर्च कर सकते हो, लेकिन ये मुझे पता है कि वेब ऑफ साइंस का है, तो इसको आप कॉपी करके वेब ऑफ साइंस में जाके क्या कर सकते हो, डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। देखो ये वाला दिखाई दे रहा है, मैथमेटिकल फाउंडेशन कंप्यूटिंग मास्टर जर्नल का, मास्टर जर्नल लिस्ट में। ठीक है, यहाँ पे जर्नल वेबसाइट का लिंक दिया है, यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो डायरेक्ट उसका वेबसाइट को वो ले जाता है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि भाई मैं फ्रॉड में पड़ा हूँ या डुप्लीकेट में पड़ा हूँ। ठीक है, यहाँ पे पब्लिशिंग मॉडल में क्लियरली मेंशन किया है भाई हाइब्रिड एंड क्वार्टरली, हर क्वार्टर में एक एक इशू इसका निकलता है। तो पकड़ लो कि साल में 4 इशू ये निकलता है। हाइब्रिड मॉडल मतलब आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा अगर आप ओपन एक्सेस नहीं करना चाहते हो। ठीक है, तो मतलब पेपर तो एक्सेप्ट हो जाएगा अगर रिसर्च वर्क अच्छा है तो, लेकिन अगर ओपन एक्सेस करेंगे उसके लिए वो चार्ज करेंगे, लेकिन अगर आपको रिसर्च पेपर ओपन एक्सेस नहीं करना है तो आपको बिना पैसा में भी यहाँ पे रिसर्च पेपर क्या होगा कि पब्लिश हो सकता है। तो यहाँ पे भी ये फ्री वाला सिस्टम है। हाइब्रिड वाला में क्या होता है, अगर आप ओपन एक्सेस करना चाहते हो तो पैसा देना पड़ता है। अगर आप वो पूछेंगे जब आप सबमिशन होगा, एक्सेप्टेंस हो जाएगा, वो जर्नल वाला आपको पूछेंगे कि आप ओपन एक्सेस करना चाहते हो, तो आप वहाँ पे मना कर सकते हो। तो मना करने के बाद आपको पैसा नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ओपन एक्सेस करना चाहते हो अपना रिसर्च पेपर को तभी जाके वो चार्जेस लगाते हैं। ठीक है, तो ये वाला हाइब्रिड वाला स्टोरी है। और हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखो ऑलरेडी रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है लेटेस्ट वाला, इसको आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद मतलब वहाँ पे समय के बारे में पता कर सकते हो कितना टाइम लगा हुआ है। तो यहाँ पे दिखाई देता है डायरेक्ट प्रेस्क्राइब परफॉर्मेंस ट्रैकिंग कंट्रोल ऑफ मल्टीलिंग रोबोटिक मैनिपुलेटर विद अनसर्टेंटीज। यहाँ पे देख सकते हो कि रिसीव हुआ था जनवरी महीना 2022 में और अप्रैल महीना 2022 में ये क्या है कि एक्सेस हो गया था, मतलब एक्सेप्ट हो गया था। ठीक है, तो जनवरी तो 3 महीना का, 4 महीना का टाइम यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे भी देख सकते हो ये रिसीव हुआ था दिसंबर 2021 में और जुलाई 2022 में, लगभग 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने का टाइम लगा है। तो ये वाला अगर जर्नल को आप सिलेक्ट कर रहे हो तो ये आपका वेब ऑफ साइंस का आ जाता है। वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग अगर देखोगे तो इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन का आपका आ जाता है, ये से वाला आपका आ जाता है। तो स्कोपस का है, ये से ही स्कोपस का देख सकते हो कि 1.5 है। वेब ऑफ साइंस का ई एस ए वाला है, फ्री वाला है, टाइम 7 महीने से 8 महीना टाइम लगता है। ठीक है, मैथमेटिक्स का 1 पॉइंट साइड स्कोर तक हम लोग खत्म किए। आगे जाके जितना 1.1 से लेके अगर जितना मुझे मिल रहा है उसके बेसिस में मैं पूरा जो सीरीज है मैथमेटिक्स का जितना अवेलेबल फ्री है, फ्री वाला जर्नल, मैं वो वाला इंफॉर्मेशन आगे जाके दूंगा। तो अगर मेरा जो मेहनत आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, शेयर कर सकते हो अपने दोस्त को, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है, कोई कॉम्पल्सरी नहीं है, समय है तो करो नहीं तो नहीं। तो आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।